आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपने क्या दरका है कि इफ द पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द सर्कम सेंटर एंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का अपने सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दे रखा है, ठीक है। आगे अपने के पास क्या दरका है कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, फोटो बना लीजिए। तो ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं अपने ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम अपने ए बी सी मान लेते हैं। यहाँ से अपने ये ए हो गया, इसका नाम अपने बी मान लीजिए और इसका नाम अपने सी मान लीजिए, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर ये जो एक्चुअल जो क्वेश्चन है ना वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी लगते हैं, बाद में अपने सारे क्वेश्चन वैक्टर के ऐसे भी दिख रहा है, अपने वैक्टर का सिम्बॉल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी को ओरिजिन मानते हैं। पी को अपने क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, क्योंकि अपने पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी है तो अपने ओरिजिन मान लेंगे तो हमारे पास वैक्टर को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ से अपने क्या मान लेते हैं, लेट पी अपने क्या है, पी अपने के पास ओरिजिन है, ओरिजिन, ठीक है। या अपने पी हमारे पास किसके बराबर हो गया, ओरिजिन के बराबर। जब पी हमारे पास ओरिजिन है तो सारे वेक्टर अपने पी से हम लिख रहे हैं, सारे वेक्टर अपने पी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास किसके बराबर देंगे, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर के बराबर, है ना। ये हमारे पास किसके बराबर देंगे, बी वेक्टर के बराबर, और ये हमारे पास किसके बराबर देंगे, सी वेक्टर के बराबर। अब देखिए बीच में अपने कहीं पर सेंट्रॉइड भी होगा और सर्कम सेंटर भी होगा और ऑर्थो सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड। तो पी हमारे पास तो सर्कम सेंटर दे रखा है, ठीक है। क्यू हमारे पास ऑर्थो सेंटर दे रखा है। एक चीज आपको ये क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन का थोड़ी बहुत एक प्रॉपर्टी लगेगा, ये जो अपने के पास एच, ये अगर अपने के पास एच है मतलब ऑर्थो सेंटर, ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास क्या है, ओ है। ये अपने के पास एच जी ओ, इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और ये हमारे पास ये आ गया एच जी ओ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो अपने पास जी कोऑर्डिनेट है ना, इसको अपने पास 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हमें निकालने हैं। तो यहाँ से अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से अपने पास जी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, जी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे पी ए, यहाँ से आ गया अपने के पास ए वैक्टर प्लस टेंस बी वैक्टर और प्लस टेंस सी वैक्टर और होल अपोन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो होल अपोन में 3 के बराबर। ये हमारे पास जी वैक्टर आ गया, क्या आ गया अपने पास जी वैक्टर, यानी तो अपने पास इसको क्या कर लो, जी पी मान लो, यहाँ से अपने पास पी जी मान लो, पी जी वैक्टर, पी जी वैक्टर अपने किस बराबर देंगे, अबे जी अच्छे से लिख जा, तो पी जी वैक्टर अपने किस बराबर देंगे, ए वैक्टर प्लस टाइम्स बी वैक्टर प्लस टाइम्स सी वैक्टर। थोड़े बहुत आपको वैक्टर का नॉलेज होनी चाहिए। पी जी वैक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर प्लस पी सी वैक्टर, और पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर प्लस पी सी वैक्टर, यही लिखा हुआ, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर अपॉन 3, इसका वैल्यू निकालने हैं। यानी यहाँ से अपने सॉल्व करोगे तो ए वैक्टर प्लस टाइम्स बी वैक्टर और प्लस टाइम्स सी वैक्टर इक्वल टू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 3 PG वेक्टर के बराबर हो जाएंगे। देख लो 3 अपने किस तरह आ जाएंगे, पी जी वैक्टर के बराबर। अब जब ये पी जी वैक्टर है, ए वैक्टर हमारे पास कुछ नहीं बल्कि अपने पास ए वैक्टर है ए पी वैक्टर, यहाँ से अपने पास ए वैक्टर किस बराबर दे रखा है, या पी ए वैक्टर सॉरी, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, पी ए वैक्टर के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास ये है पी बी वैक्टर के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, या अपने पास पी सी वैक्टर के बराबर इक्वल टू अपने 3 PG वैक्टर के बराबर, है ना। 3 अपने किस कराएंगे, पी जी वैक्टर के बराबर। हमारे पास एच वैक्टर किसके बराबर देंगे, तो ओ को अपने के पास सर्कम सेंटर को अपने पास इसी को पी से रिप्रेजेंट किया गया, तो इसको अपने पास पी से लिख लेते ना, ये हमारे पास क्या जाएंगे, इसको इरेज करो, यहाँ पर अपने पास पी लिख दो ताकि हमारे पास ज़्यादा आसानी हो। या अपने पास पी के बराबर, ये आ गया पी के बराबर, जो कि अपने 0.0 के बराबर है। हमें चाहिए क्या, हमें अपने पास ये किसके बराबर है, 3 PG, यहाँ से अपने जी वैक्टर किसके बराबर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर और होल अपोन अपने पास 3 के बराबर, ये पी जी है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास H बताओ, तो यहाँ से अपने के पास पी क्यू बताने हैं ना, कि अपने के पास H को किससे रिप्रेजेंट किया गया, ये भी अपने के पास मैटर करता है। H को अपने के पास रिप्रेजेंट किया गया वो तो हम कहने के लिए बोले कि H और G O, ठीक है। तो H को अपने के पास रिप्रेजेंट किया Q से, अपने के पास पी क्यू में रिलेट करने हैं। तो यहाँ से अपने के पास पी क्यू वैक्टर किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास बता सकते हो क्या, जी वैक्टर आ जाए 2 × 0 और प्लस टाइम्स 1 × अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, क्यू वैक्टर के बराबर और पी क्यू वैक्टर अपने के पास पी क्यू वैक्टर हो जाएंगे, है ना। और होल अपॉन में अपने पास 3 किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास ए वेक्टर प्लस टाइम्स, यहाँ से आ गया अपने के पास ए वेक्टर प्लस टाइम्स बी वेक्टर और प्लस टाइम्स सी वेक्टर और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 3 के बराबर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अपने पास पी क्यू वैक्टर जो हो जाएंगे ना वो अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, ए वैक्टर और प्लस टाइम्स के आ जाएंगे बी वैक्टर और प्लस टाइम्स सी वैक्टर के बराबर, है ना। अब अपने पास पी क्यू वैक्टर इसके बराबर हो गया और पी जी अपने पास वैक्टर किसके बराबर है बता है, अपने पास 3 PG वैक्टर हम यहाँ से चिपका रहे हैं। PG वेक्टर जो है वो अपने कैसे ए वेक्टर प्लस टाइम्स बी वेक्टर और प्लस टाइम्स सी वेक्टर और होल अपोन में अपने के बराबर हो जाएंगे, तो होल अपोन में आ गया अपने के पास 3 के बराबर,
है ना, यहां से अपने के पास क्या करो, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, तो पी क्यू लिख सकते हो, तो ये थ्री से थ्री कट गया और ए वेक्टर प्लस टाइम्स बी वेक्टर प्लस टाइम्स सी वेक्टर, यानी पी पी क्यू अपने के पास वेक्टर बचा, क्या बचा, क्या बनेगा, पी क्यू वेक्टर के बराबर है। अब देखो ये जो है अपने के पास किस बराबर है, ए पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर के बराबर है, पी क्यू वेक्टर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारे पास, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने के पास इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है, बाद में कि सारे अपने के वेक्टर के पार्ट से, और वेक्टर और स्ट्रेट लाइन अपने एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कुछ चीज़ें कुछ फॉर्मूले तो अपने बहुत सारे फॉर्मूले तो स्ट्रेट लाइन के वेक्टर में ऐसी ही रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये थे अपने जेई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।